नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। खबर रोहतास जिले के विक्रमगंज से है, जहां उच्च माध्यमिक विद्यालय तेंदुनी में बने 9-9 वैक्सीन सेंटर में शुक्रवार को निर्धारित समय अवधि के अंदर कोविड-19 का दूसरा खुराक लेने वाले 4 लाभुकों को पुरस्कृत किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य समिति और केयर इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से वैक्सीनेशन दर बढ़ाने के उद्देश्य से 27 नवंबर से 31 दिसंबर तक टीका लीजिए, इनाम जीतिए, लकी ड्रॉ स्कीम चलाया जा रहा है। इस स्कीम में वैसे लाभुकों को शामिल किया जाएगा जो लाभुक पहली खुराक लेने के बाद दूसरी खुराक 84 से 90 दिन के अंदर ले लिए हों। इसी कड़ी में जिला स्वास्थ्य समिति और केयर इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से लकी ड्रॉ किया गया। जिलाधिकारी रोहतास के नेतृत्व में निर्धारित समय अवधि के अंदर कोविड-19 का दूसरा खुराक लेने वाले लाभार्थियों का लकी ड्रॉ किया गया, जिसमें लकी ड्रॉ होने के बाद विक्रमगंज प्रखंड अंतर्गत टीका लेने वाले 6 लाभार्थियों का नाम सामने आया, जिसमें शुक्रवार को उच्च माध्यमिक विद्यालय तेंदुनी विक्रमगंज में बनाए गए 9-9 वैक्सीन सेंटर में 4 लाभार्थी उपस्थित हुए, जिन्हें सम्मानपूर्वक अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कुमारी कमला सिन्हा के अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार के द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। पुरस्कृत होने वाले में स्थानीय प्रखंड क्षेत्र के खुसिया खुर्द निवासी इंदु देवी, सुअरा डेहरी निवासी रूबी कुमारी, भोजपुर जिले के हुडरुआ निवासी शत्रुघ्न सिन्हा, बक्सर जिले के रामपुर निवासी मोहम्मद रमजान अली रामपुर शामिल हैं, जबकि पुरस्कार के लिए चयनित लाभार्थी गौतम कुमार व मरघूब अहमद अनुपस्थित रहे। मौके पर केयर इंडिया प्रखंड प्रबंधक कुश कुमार, अनुज कुमार, अभिमन्यु कुमार वैक्सीनेटर के रूप में ANM सविता कुमारी मौजूद थी। ये जो आपको पुरस्कार मिला है, किन कारण से मिला है? ये मेरे पुरस्कार मिला है जो टीकाकरण के लिए मिला है। 84 से 90 दिन बीच में जो टीकाकरण लिए है, इसलिए मेरे पुरस्कार मिला है। पुरस्कार किन के द्वारा दिया गया आपको? स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। क्या नाम है आपका? रवि कुमारी। कहाँ घर है? बालहा। अच्छा, पुरस्कार मिलने से आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है। गांव में जा करके क्या बताइएगा आप? गांव में जाकर प्रचार करेंगे, लोगों से बताइएगा टीका लेने के लिए। ये जो अभी आपको पुरस्कार दिया गया, किस कारण से मिला है? कोरोना का टीका लिए थे सर, आज 84 से 90 दिन के अंदर में जो लिए थे उसी को। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमजान अली। कहाँ घर हुआ आपका? रामपुर। ठीक। पुरस्कार मैडम किस लिए वितरण किया गया है? ये पुरस्कार जो कोरोना का ड्राइव चल रहा था टीकाकरण का, तो उसी के लिए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा प्रोत्साहन के रूप में लकी ड्रॉ किया गया है और हमारे विक्रमगंज प्रखंड से 5 लाभुकों का लकी ड्रॉ में नाम आया है, तो प्रोत्साहन के रूप में उन्हें दिया जा रहा है कि उनके द्वारा सहयोग किया गया टीकाकरण में और वो लोग टीका समय पर लिए, और साथ ही साथ उनको ये संदेश भी देना है कि वो लोग अपने अपने जगह पे जाके अपने अपने एरिया में ये प्रचार करें कि देखो कितना ज़रूरी है टीका लेना और इसमें सरकार हम लोग की कितनी मदद कर रही है और हम लोग इससे सुरक्षित रहेंगे। अभी जैसे फिर कोरोना आ रहा है तो इसलिए इसमें रुकना नहीं है, जो लोग बचे हुए हैं उनको दोनों टीका ले लेना है और आगे से अगर किसी तरह का टीकाकरण का आगे भी कोई बूस्टर डोज का प्रोग्राम होगा तो उसमें भी वो लोग ज़रूर सहयोग करेंगे। लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि कोरोना का टीका आदि से दिया जाए, इसलिए किया जा रहा है। किन लोगों को इस लकी ड्रा में शामिल किया जा रहा है? जो लोग टीका 84 दिन से लेकर 90 दिन के अंदर लिए उनको टीका दिया जा रहा है, पुरस्कार दिया जा रहा है। और पुरस्कार किन लोगों के द्वारा वितरण किया जा रहा है? कौन कौन से विभाग? स्वास्थ्य विभाग एवं केयर इंडिया की तरफ से आयोजन किया गया है। टीकाकरण नहीं लिया अभी तक, जो सेकेंड डोज उन लोगों के लिए, उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, ये जिला स्तर पर लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, ये प्रोत्साहित के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में ये लोकी डॉ के माध्यम से जिला पंचायत महोदय द्वारा ये ड्राइव कराया जा रहा है ताकि लोगों में अधिक जागरूकता पैदा हो, कम से कम इस बहाने भी लोग अपना टीका ले, कोई वंचित नहीं रहे। आप देख रहे हैं कि कोरोना का दूसरा स्वरूप भी आ गया है और हम लोग देख रहे हैं कि अभी लोग बहुत बेपरवाह हो गया है,
बिना मास्क का बिना डिस्टेंस से पालन किए हुए लोग मार्केट में घूम रहा है, डिस्टेंस का पालन भी नहीं कर रहा है, तो मास्क लगा रहा है, ब्लैक समझाने के बावजूद भी लोग उस पर जागरूक नहीं हो रहा है। इसीलिए जागरूकता पैदा करने के लिए जिला स्तर पर ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। इस ड्रा में किन लोगों को शामिल किया जा रहा है? जो लोग 27 उम्र और 31 दिसंबर तक जो टीकाकरण लेगा उन्हीं लोगों को इसमें शामिल किया जा रहा है। 84 से 90 दिन के अंदर में जो आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए रबजी लाइव न्यूज़। नमस्कार।